कि पांच जवानों ने शहादत दे दी। 15-20 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म हो सकता था, पर हमारे जवानों ने कहा नहीं, 5 नहीं 50 कुर्बानी देंगे, एक भी खाली जाने नहीं देंगे। मार के वो फेंका, और जवानों की पत्नी, जवानों की बेटी, शर्मा का भाई, आप उनकी तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तान को आंख में एक भी आंसू नहीं है, हंसते हुए तस्वीर है, हाथ में पकड़ी और कहते हैं फक्र है हमें अपने पति के ऊपर, फक्र है हमें अपने बेटे के ऊपर, फक्र है हमें अपने भाई के ऊपर, जिसने मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की। ये पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बड़ी दुखद खबर कल आई और हमने सोचा कि हम अपने फौजियों को, इस देश के वीरों को नहीं भूलेंगे, ना आपको भूलने देंगे। यकीन मानिए, क्योंकि इनका बलिदान जाया नहीं होगा। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी है, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत में भेजकर खून खराबा करने में जुटा है। लश्कर तैयबा के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, मंशा खून बहाना था, लेकिन हमारे जवानों ने 11 लोगों की जान बचाते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में हमारे 5 शूरवीर, जिसमें कर्नल और एक मेजर थे, वो भी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने आम लोगों का बाल बाका नहीं होने दिया। पाकिस्तान की उसकी करतूत पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ पाकिस्तान और भारत से खास मेहमान होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर वो हिमाकत की है जिससे हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाकिस्तान में पल रहे लश्करे तैयबा के मुखिया हाफिज सईद के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में फिर खून खराबे की साजिश रची, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल 1 मई को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी घाटी में दाखिल हुए। सेना के ऑपरेशन के बाद 1 मई को आतंकियों ने 11 लोगों को बंधक बना लिया। आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर के बाद आतंकी वहां से भाग निकले। यहां से निकलकर सभी आतंकी 7 किलोमीटर दूर एक घर में घुस गए। आतंकियों के नए ठिकाने की जानकारी जैसे ही मिली, कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में शूरवीरों की टोली उन्हें मटिया मेट करने वहां पहुंच गई। यहां भी आतंकियों ने घर के लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए सभी को छुड़ा लिया। लेकिन इस ऑपरेशन कर्नल आशुतोष शर्मा समेत हमारे 5 सुरक्षा बल शहीद हो गए। हमारी योद्धाओं ने यहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिसमें लश्करे तैयबा का टॉप कमांडर हैदर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मेरे साथ MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। सर, स्वागत है आपका। आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, आज सुनना चाहेंगे हम। मेरे साथ रविंद्र रैना, BJP प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे साथ हैं। सर, बहुत कुछ दुखद है वहां पर जो कुछ हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेजर जनरल GD बख्शी, इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं जनरल बख्शी को। मेरे साथ विवेक काटजू है, फॉर्मर डिप्लोमैट, बहुत शानदार बोलते हैं सर, आपका स्वागत है। गुलाम अब्बास जी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आरजू कासमी जी, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है, और कैसे कोरोना के दरमियान ये सब कुछ हो रहा है, ये दोनों मुल्कों को कैसे अफेक्ट करता है। हम इसको चाहेंगे कि पॉजिटिव रखें। बिट्टा साहब, मैं यहां पर चाहूंगा कि एक बार सवाल दिखाएं जो हम 3 सवाल पूछने। बिट्टा साहब, मेरा पहला सवाल अभी मैं उसी पे स्टिक कर रहा हूं, क्या जवाब है पाकिस्तान को, क्या जवाब दिया जाए? एक बात मेरी बिल्कुल स्पष्ट सुन लो कि ये आज का हिंदुस्तान है, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, और जिसका प्रधानमंत्री, जिसका देश का सबसे बड़ा योद्धा, जिसने 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके, फेंक करके, लाखों जवानों का, लाखों अवामों का जो शहीद हुए आतंकवादियों से, बदला लेके उसने फराक दिली दिखाई, ये वो आज का भारत है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पहल नहीं की है पाकिस्तान के साथ। पिछली बार भी मैंने कहा था, जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले पाकिस्तान गए। क्यों गए पाकिस्तान? पाकिस्तान इसलिए गए
कि हम मानवता को मानते हैं, मानवता के रक्षक हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम आतंकवाद नहीं चाहते। क्या किया था पाकिस्तान ने? पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, बार बार पत्थरबाजी, आखिर में हमने जवानों की शहादतों का बदला लिया और 370 धारा हटाई। जैसे रैना साहब ने बोला कि 5 जवानों ने शहादत दे दी, 15-20 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म हो सकता था, पर हमारे जवानों ने कहा नहीं, 5 नहीं 50 कुर्बानी देंगे, एक भी खाली जाने नहीं देंगे। मार के वो फेंका। और जवानों की पत्नी, जवानों की बेटी, शर्मा का भाई, आप उनकी तस्वीर दिखाइए, पाकिस्तान को आंख में एक भी आंसू नहीं है, हंसते हुए तस्वीर है, हाथ में पकड़ी हुई, और कहते हैं फक्र है हमें अपने पति के ऊपर, फक्र है हमें अपने बेटे के ऊपर, फक्र है हमें अपने भाई के ऊपर, जिसने मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की। ये पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है हमारा। कोई जवान जब मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है तो वो ये कह के निकलता है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे हटा रखी है। ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का बहादुर योद्धा है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीआई, ना सीपीआई, नरेंद्र मोदी जो बदला लेना जानता है और बदला लिया है उसने। मैं सीधे इस डिबेट में इन्वॉल्व करूंगा बिट्टा साहब, आपका रिएक्शन इस पर, क्विक रिएक्शन बिट्टा साहब। आरजू मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं पहले मैडम का जवाब दूंगा, क्योंकि रैना साहब ने बहुत डिटेल से इन पाकिस्तान को सारी चीजें बता दी, मैं उस तरफ दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मैडम को पूछना चाहता हूं कि हम क्यों करेंगे ऐसा, हमें क्या मिलेगा? 26/11 की घटना का कौन जिम्मेदार था? पार्लियामेंट की घटना का कौन जिम्मेदार था? सैयद, कौन जिम्मेदार था? पठानकोट की, दीनानगर की घटना, हिंदुस्तान के अअंदर एक दिन के अंदर, जयपुर के अंदर 120 बेगुनाह लोग मार दिए गए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कहीं बॉम्बे, कहीं दिल्ली, जगह जगह ब्लास्ट किए गए, कौन जिम्मेदार था? मेरा इनसे सवाल है, हमको क्या पड़ी है कि हम अपने देश को बर्बाद करेंगे? हम पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना चाहते, हम अपने देश को संवारना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की मानवता के खिलाफ नहीं है। आप लोग रोज खतरा उस मानवता के लिए बन रहे हैं। कोरोना आपसे ठीक नहीं हो पा रहा, घर में खाने को रोटी नहीं है, लोग बेचारे वहां भूखे मर रहे हैं, और यहां पे आप रोज गोली चलाते हैं, और गोली का जवाब भी देख लिया हमारे जवानों का। जवान चाहते तो 10 मिनट के अंदर कश्मीरी भाई भी मार करके बिल्डिंग तबाह कर सकते थे, नहीं की उन्होंने। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, पाकिस्तान, ISI, समझ जाओ, आपके पास मौका है, 370 धारा हटाई है ना, ऑक्यूपाई कश्मीर के ऊपर अभी नजर नहीं, अगर नजर कहीं पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर पड़ गई, मेरी बात लिख लेना, हम लेके रहेंगे आपके पल्ले कुछ नहीं, कहती बल्ले बल्ले, पल्ले कुछ नहीं बल्ले बल्ले, हिंदुस्तान कोरोना की लड़ाई लड़ता जा रहा है, फूलों से फूल बरसाता है। और दूसरी तरफ अगर बार बार हरकत करोगे तो फिर बालाकोट की घटना याद रखना, फिर वो 14 जवान जो शहीद किए थे उसके बाद बदला लिया था याद रखना। पूछना चाहता हूँ, 40 जवान CRP के शहीद किए थे, उसका जवाब नहीं दिया हमने, कौन था जवानों को कत्लेआम करने वाला? कौन था 14 जवानों को शहीद करने वाला? कौन था ये? क्या ये पाकिस्तान नहीं था? बताइए मैडम, आप कहते हमें क्या मिलेगा, आप जवाब दे, आपका रिएक्शन, हमें क्या जरूरत पड़ी हम जिसको बर्बाद करेंगे? आरजू जी एक मिनट, यातिन मलिक, जिस यातिन मलिक की बात करते हैं, वो यातिन मलिक ISI का आपका पाला हुआ आतंकवादी गुंडा था, जिसने बेगुनाहों के कत्लेआम किए, जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। आपको यातिन मलिक के साथ हमदर्दी है? क्या आप हमारे मुल्क के ठेकेदार हैं?
क्या आप कश्मीर के ठेकेदार हैं? कश्मीर हमारा है, याद रखिए। हमारे नेताओं की गलतियों से यह कश्मीर का मुद्दा हुआ है और आज नरेंद्र मोदी ने ठीक किया, याद रखिए। गलत फहमी में मत रहना, ये आज का हिंदुस्तान है। आपको बार बार हम वार्निंग दे रहे, याद रखिए। गुलाम अब्बास साहब, पॉइंट नोटेड। ठेकेदार है, मेरे को आपको लाना बहुत जरूरी था डिबेट में, मेरे को आपको लाना जरूरी था। कोरोना के ऊपर पॉइंट नोटेड। हमारे कोरोना के ऊपर बिट्टा साहब, क्योंकि आप खुद टेरर के एक बार आपने उसका सामना किया और जवाब भी दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम सभी मेहमानों का शुक्रिया करने से पहले एक चीज साफ है, पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, कोरोना मिसमैनेज हो रहा है। भारत की मदद दी थी उसका, उसको कोई मतलब नहीं था। अब उसको सार के उस फंड में से भी पैसा चाहिए। यहां पर जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, यकीन मानिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को पता है कि बदला कैसे लिया जाता है, और उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिया जाता है।